हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मंचूरियन। उसके लिए हमने ये सब सामान ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने मंचूरियन में पकौड़े बनाने के लिए छोटे छोटे कट कर लिए हैं और सूप बनाने के लिए बड़े बड़े कट कर लिए हैं। ये सब सामान आप देख सकते हैं, सब हमने कट करके रख दिया है। एक बाउल में हमने पानी ले लिया है, उसमें हम ब्रेड लेंगे और थोड़ा हल्का डुबा करके, उसको हल्का ही डुबाना, ज़्यादा नहीं डुबाना है, और उसको निचोड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से और बाउल में रख देंगे कुछ इस प्रकार से। देख रहे, निचोड़ लेना हमें, और बाउल में रख दिया है हमने ये देखिए। ऐसे ही हम सारे ब्रेड को ऐसे भिगो लेंगे थोड़ा थोड़ा, और निचोड़ करके बाउल में रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। हमने रख दिया है, इसमें हम ऐड करेंगे, ये सब हमने छोटे छोटे कट करके रखा है, ये सब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसको इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस डाल दिया है हमने। हम डालेंगे रेड चिल्ली सॉस, एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस हमने डाल दिया। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, या इसमें डालेंगे धनिया कटे हुए, हम इसको नमक आधा चम्मच स्वाद अनुसार। अब हम इसको इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच, और हाफ 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 चम्मच 1.5 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम कुछ इस प्रकार से। देखिए, हमारा ये हो गया है अभी रेडी। अभी इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके हम रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमारा गोलियां देखो बन रहा है कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही हम सब गोलियां बना लेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही गोले करके रख लेंगे ताकि तलने में हमको आसानी हो। इसलिए हम ऐसे इस प्रकार से को बना करके रख लेंगे। देखिए, हमारे सारी गोलियां बन के रेडी है अब तलने के लिए। हमने एक पैन रख दिया है गरम होने के लिए फ्रेंड्स। इसमें तेल हमने ऑयल डाल दिया है, यह हमारा ऑयल गरम हो रहा है। देखिए, हमारा ऑयल अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके इसमें सब ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, हमारा तलने के लिए हमारा रेडी है। अब ये देखिए, हमारा तल रहा है सब, मैंने डाल दिया है कुछ इस प्रकार से। इसको पलट लेंगे ब्राउन होने तक इसको हम ऐसे ही पलट लेंगे धीमी आंच करके। देखिए, धीमी आंच में अच्छे से पलट देंगे, ये पकने देंगे। ये देखिए, हमारा पक चुका है सब, ब्राउन हो गया है। अब हम इसको कुछ ऐसे ही छान लेंगे, इसको एक बर्तन में रख देंगे सब निकाल करके फ्रेंड्स। ये देखिए, बचे हुए हमारे सारे बॉल्स इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए, हमारे सब हो चुके हैं। अभी हमने ऑयल डाल दिया है, अब हम सूप बनाने जा रहे हैं। सूप बनाने के लिए हमने ये प्याज कट करके रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है फ्रेंड्स, सूप बनाना है हमें, इसलिए हम इसको हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर, ऐसे गाजर को भी ऐसे मिला लेंगे थोड़े। अब डालेंगे शिमला मिर्च, और ये ग्रीन चिल्ली मैंने काट के रखी है लेकिन अभी नहीं डालेंगे, अभी डालेंगे तो ये जल जाएंगे थोड़े। अभी हम इसको डाल देते हैं, ये हमारा रेडी हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हम इसको भुनेंगे। और ये देखिए, सूप में डालने के लिए सोया सॉस 1 चम्मच, रेड चिली सॉस 1 चम्मच। अब हम डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हम डाल के सब घोल लेंगे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्स कर लिया है हमने, ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से, हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, इसको ऐसे मिला देना है। हमने पैन को गरम स्लो करके रखा है। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे सूप बनाने के लिए, 2 कॉर्नफ्लावर लेंगे सूप बनाने के लिए। इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए, इकट्ठे पानी ना डाले, थोड़े थोड़े डाले अपने हिसाब से।
ये घुल जाए अच्छे से। ये घुल गया है हमारा, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और हम डालेंगे इसमें 2 कटोरी पानी। हमने ये 2 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी ये हमारा हमने हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब हमारा ये ऐसे अच्छे से घोल लेंगे इसे और हम ढक देंगे। अभी हमारा ये हो गया, अभी हम ढक दें, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। नमक डाल दिए, इसको हम अच्छे से घोल लेंगे, फिर हम इसको ढक देते हैं। हमने ढक दिया, ये हमारा देखिए सूप रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा सूप रेडी हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वो जो हमने पकौड़े बना के रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से देखिए। और 5 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा चलाते रहेंगे कि फ्रेंड्स ये हो गया है सर्व करने के लिए। अब ये रेडी है, ये हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें हम धनिया ऐड कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। धनिया ऐड कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं हमने ये सर्व कर दिया है। अब आप इसको अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब हमारा मंचूरियन रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।